नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति प्रकाश धादिज और आप देख रहे हैं दी ऑफिसर्स। दोस्तों, सर्दियां शुरू होते ही हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आजकल आए दिन अटैक पड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के दफ्तर में देखने को मिला, जहां एक शख्स को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड के चीफ एजुकेटिव ऑफिसर यशपाल गर्ग की सूझबूझ काम आई और उन्होंने समय रहते पीड़ित शख्स को CPR दिया, जिससे उनकी जान बच गई। इसके बाद पीड़ित शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया और फिलहाल उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इस अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सेक्टर 40A निवासी जनक कुमार बुधवार सुबह चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के दफ्तर में एक मामले की सुनवाई के लिए पहुंचे थे। यहां सुनवाई के दौरान वो सेक्रेटरी के चैम्बर में अचानक गिर पड़े। इस दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया था। मौके पर मौजूद लोगों और अधिकारियों ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया। इसके बाद IAS अधिकारी यशपाल गर्ग ने उन्हें CPR दिया। लगभग एक मिनट की प्रक्रिया के बाद पीड़ित शख्स की तबीयत ठीक हुई, जिसके बाद उन्हें पानी पिलाया गया और हाउसिंग बोर्ड की एक आधिकारिक गाड़ी से GMS हॉस्पिटल चंडीगढ़ की इमरजेंसी में भेज दिया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस पूरी घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए अधिकारी की जमकर तारीफ की। उन्होंने लिखा, एक आदमी को हार्ट अटैक आया तो चंडीगढ़ के हेल्थ सेक्रेटरी IAS यशपाल गर्ग ने तुरंत CPR देकर उस आदमी की जान बचाई। उनके इस काम की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दी ऑफिसर्स के साथ।